दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा वायर्स एंड केबल्स के बारे में। वायर्स एंड केबल्स मतलब हमारा जो माइक्रोफोन केबल होता है, स्पीकर केबल, ये दो केबल लेके आज बात करेंगे और उसमें जानेंगे कि एग्जैक्टली कॉपर क्या होना चाहिए, शील्डिंग क्या होता है, किस तरह का आपको वायर एंड केबल लेना चाहिए। लेकिन शुरू करने के पहले मैं आपको तीन इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। पहला एक अच्छा इन्फॉर्मेशन कि हमारे यहाँ पर अभी आपको EMI में माल मिलेगा, यानी कि आपको अगर कोई हाई वैल्यू आइटम ख़रीदना है तो आप EMI अवेल कर सकते हैं। सेकंड, थोड़ा दुख भरी कहानी है कि जनवरी का महीना से बेटा 3 का 20% दाम बढ़ रहा है, तो मेरे पास जो भी अभी अवेलेबल माल है, आपको अगर लेना है तो जल्दी से ले लीजिएगा, क्योंकि जनवरी के 1 जनवरी से दाम बढ़ जाएगा 20%। थर्ड इन्फॉर्मेशन देना है, जिन भी भाई लोगों को अपना लाइट के बारे में, स्टेज लाइट के बारे में सीखना है, जानना है, तो हमारा दूसरा चैनल है DMX ट्यूटोरियल, उस पर आप लोग लॉग इन कीजिए, उसको आप फॉलो कीजिए, काफ़ी सारे चीज़ आप लोग सीख पाएंगे। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग ज़रूर जाके उसको फॉलो कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रसन्नजीत मित्रा और आप लोग देख रहे हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक्स का यूट्यूब चैनल। ये हमारा गुवाहाटी का ब्रांच है। तो जैसे मैंने इंट्रो में बोला, आज हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो है ये वायर्स एंड केबल्स। आप देख रहे हैं तो बेसिकली दो ही होता है हमारा, एक तो माइक्रोफोन के लिए होता है और एक होता है अपना स्पीकर के। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो का पहला जो मुद्दा है ना अपना, हम जो दिखाएंगे आपको वो है ये स्पीकर केबल। तो स्पीकर केबल के दो आता है, दो टाइप का, एक तो राउंड शेप का आता है और दूसरा ये फ्लैट टाइप का आता है, जिसको हम लोग ट्रांसपेरेंट भी बोलते हैं, यानी कि इसका जो केबल है अंदर का वो दिखाई देता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो थोड़ा हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे, और आपको कौन सा लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए, क्यों लेना नहीं चाहिए, वो भी हम बताएंगे। तो पहले स्पीकर केबल से स्टार्ट करते हैं। देखिए कोई भी केबल का बेसिकली दो पार्ट होता है, एक कॉपर का होता है और एक शील्डिंग का होता है। शील्डिंग मतलब इसका जो PVC होता है ऊपर का, इसको हम लोग शील्डिंग बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले जानेंगे कॉपर का। तो कॉपर में ये होता है कि आप देखिएगा काफ़ी सारे पतले पतले वायर से ये बना हुआ है, और ये स्पीकर केबल इसलिए है कि क्योंकि इसमें दो कोर है। जो माइक्रोफोन केबल होता है उसमें तीन होता है, एक शील्डिंग के लिए, एक ग्राउंड के लिए होता है, और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है, ये कहानी है। लेकिन स्पीकर केबल में दो ही कोर होता है, राइट। स्पीकर केबल पे आपको 1.5 लेना है या 2.5 लेना है। 2.5 इसके लिए लेना है जब आप थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस में करेंगे, उसमें गेज थोड़ा मोटा आ जाएगा, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। तो आप जब 50 फीट का ऊपर यूज़ करेंगे तो आपको 2.5 लेना चाहिए, और उसके नीचे अगर करेंगे तो 1.5 से भी आपका काम चल जाएगा। अभी देखिए मेन चीज़ क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट केबल में देखिए खाली कॉपर आपको दिख रहा है, इसमें और कोई शील्डिंग नहीं दिया हुआ है। तो पहले हम लोग जैसे बता रहे हैं, पहले कॉपर के बारे में बता देते हैं। कॉपर हम लोग नॉर्मली क्या होता है, 99.9% जो प्योर कॉपर होता है वही हम लोग लेते हैं, वो अच्छा क्वालिटी का कॉपर माना जाता है। उसको आप लोग पहचानेंगे कैसे, पहला तो वो कॉपर का जो कलर होगा ना वो थोड़ा ब्राइट होगा और वो कड़क नहीं होगा। कड़क इन द सेंस ये थोड़ा अगर आप हाथ से बेंड करेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये नरम है, आराम से बेंड हो जा रहा है। अभी देखिए कॉपर को जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, जब पतला करते हैं ना, मोटा तार से धीरे धीरे पतला करते हैं, तो ये डाई का थ्रू जाता है, तो बहुत हीट प्रोड्यूस होता है, इसके लिए कड़क हो जाता है। और जब कड़क हो जाएगा तो इसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो इसको एनीलिंग किया जाता है। एनीलिंग मतलब गर्म किया जाता है, गर्म करके इसको फिर सॉफ्ट किया जाता है। तो इसका डक्टिलिटी मतलब इसका लचकीलापन जो होता है ना, लचीलापन, यही मेरे ख्याल से राइट हिंदी है, लचीलापन बढ़ जाता है, तो ये वायर टूटने का खतरा नहीं रहता। अगर वो तार कड़क है तो टूटने का खतरा ज़्यादा रहेगा और उसका कंडक्टिविटी भी कम होगा। इसके लिए हमेशा देखिएगा वायर का ब्राइटनेस देखिएगा और उसका लचीलापन देखिएगा, ये दो चीज़ कॉपर का ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ऑक्सीजन फ्री ये है या नहीं है ये समझना बड़ा मुश्किल है, ऐसा हाथ में देख के मतलब आंखों से देखने के बाद आप समझ नहीं पाएंगे। तो ये हो गया कॉपर का पार्ट। अभी मेन जो पार्ट होता है जो स्पीकर केबल का या माइक्रोफोन केबल का, हम लोग एज ए होल अगर बोलेंगे तो ऑडियो केबल, ऑडियो केबल का मेन जो पार्ट होता है वो शील्डिंग, मतलब ये उसका जो PVC होता है और उसके ऊपर यहाँ पर देखिए सुतली दिया हुआ है। किसी किसी माइक्रोफोन वायर में देखिए प्लास्टिक रैप किया हुआ रहता है, ये क्यों होता है? इसका रीज़न एक ही है, हमारा इंडस्ट्री में मतलब स्पीकर केबल और माइक्रोफोन केबल के लिए सबसे बड़ा दुश्मन दो चीज़ होता है,
एक होता है RFI मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस, और दूसरा होता है EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये दो चीज़ होती है ना, ये दो बड़ा खतरनाक चीज़ होती है, एक दूसरे को बड़ा हैम्पर करता है। तो स्पीकर के बल्ब में क्या होता है, ये जो जब आप शील्डिंग अच्छा वाला लेंगे तो अच्छा लेने का मतलब, लेकिन आपका स्पीकर आवाज़ का क्वालिटी अच्छा नहीं होगा। अच्छा क्वालिटी लेने का एक ही मतलब है कि आपका जो रेडियो सिग्नल जो आ रहा, फ्रीक्वेंसी आ रहा, उसको ये ख़राब होने नहीं देगा। ये इतना है, ये कोई एम्पलीफायर नहीं है, कोई स्पीकर नहीं है, कोई मिक्सर नहीं है कि आपका आवाज़ को बेहतरीन कर देगा, इसका वो काम नहीं है। इसका काम इतना ही है, जितना भी सिग्नल मिला है बिना उसको ख़राब किए हुए आगे पास ऑन करेगा, ये इसमें मेन थिंग है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है कि ये दूसरे को हैम्पर करता है, दूसरे को परेशानी करता है। क्या करता है, हम लोग जब माइक्रोफोन केबल देखेंगे तब मैं आपको बताऊँगा कि EMI और RFI के बारे में आपको और भी बताएंगे। तो इसको चलिए मोटा मोटी स्पीकर वाल कॉइल जो आपने देख लिया है, और ये वाला मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ क्योंकि इसके अंदर शील्डिंग नहीं दिया हुआ है। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, और सबसे बड़ी बात है आप अगर हाई टेंशन केबल का नीचे ही अगर बजा रहे या अपना मोबाइल का जो टावर है उसके नज़दीक में अगर बजा रहे तो ये आपका सिग्नल लेकिन कोरप्ट करेगा। तो ये वाला मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि इसके अंदर अच्छी तरह का शील्डिंग नहीं दिया हुआ है। अभी आते हैं हम लोग ये माइक्रोफोन केबल। माइक्रोफोन केबल में देखिएगा आप, ये बाहर की तरफ एक कॉपर का ब्रीडिंग किया हुआ है, इसको हम लोग ब्रीडेड वायर बोलते हैं। इसका एक एंगल होता है, एक 97 डिग्री का होता है और एक 50 डिग्री का होता है। तो 50 डिग्री वाला जो होता है ना वो टूटने का खतरा कम होता है ये वाला, और 97 डिग्री वाला टूटने का खतरा थोड़ा ज़्यादा होता है। इसमें भी कॉपर का क्वालिटी जैसे मैंने आपको बताया, कड़क नहीं होना चाहिए, ब्राइटनेस होना चाहिए, तभी अच्छा माना जाएगा। सेकंड थिंग है कि इसको हम लोग XLR बोलते हैं। XLR का नाम जो आया ना तीन अक्षर से आया, XLR। X मतलब एक्सटर्नल, L मतलब लाइन, R मतलब रिटर्न। तो ये केबल जो है ना तीन काम करती है। तो ये जो ग्राउंड होता है ना, ये एक्चुअली हम लोगों का मेन चीज़ होती है इसका शील्डिंग करने के लिए। इसके अंदर देखिए सुतली भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मेन प्रोटेक्शन करता है, ये माइक्रोफोन केबल जो है ना सबसे ज़्यादा RFI मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस और EMI जैसे मैंने बताया, ये दोनों में बड़ा इफेक्ट करता है। जैसे आपका ये स्पीकर केबल ख़राब होगा तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा आपको ये वाला, और उसके साथ आपको मैं बता दूं फ्लोरोसेंट लाइट भी इसको इफेक्ट करता है, इतना सेंसिटिव होता है। क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी जो होता है ना ये बड़ा भयानक किस्म का सेंसिटिव होता है। तो इसके लिए हम लोगों को ये जो है ना शील्डिंग दोनों स्पीकर केबल और माइक्रोफोन केबल का अच्छा लेना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने बता दिया आपको कि अगर आप दूर में यूज़ कर रहे हैं स्पीकर तो डेफिनेटली 2.5 यूज़ कीजिए, अगर बहुत ज़्यादा 50 मीटर के नीचे कर रहे हैं, 50 फीट के नीचे कर रहे हैं तो 1.5 से चल जाएगा। लेकिन माइक्रोफोन केबल पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। माइक्रोफोन केबल का पहला तो इसका जो बाहर का जो शील्ड होता है ना PVC होता है, इसका नरमी थोड़ा देख लीजिएगा। ये अगर अच्छा होगा तो यकीन मानिए कि वो वायर का क्वालिटी भी अच्छा ही होगा, एंड कॉपर का क्वालिटी देखिएगा और अंदर का शील्डिंग देखिएगा। तो बेसिकली यही सब देखने वाली। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि रेडियो फ्रिक्वेंसी क्या होता है, EMI क्या होता है, और माइक्रोफोन केबल के बारे में बताया, थोड़ा स्पीकर केबल के बारे में बताया। और भी इन डेप्थ अगर जानना है तो ज़रूर मेरे को कॉमेंट कीजिएगा, मैं और इन डेप्थ बताऊँगा। लेकिन मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि जैसे मैंने बता दूँ अपने को इंजीनियर नहीं बनना है, साउंड चलाना है। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।